Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha S Academy and we are at the lecture number 5. Today we shall be studying about the biomolecules. देखो biomolecules होते क्या हैं? आपने सुना होगा lipids, nucleic acids, carbohydrates, proteins, ये सब क्या हैं? ये सब आपके biomolecules हैं. Basically biomolecules बने किससे होते हैं? ये सब बने होते हैं आपके कार्बन से, हाइड्रोजन से, ठीक है, आपके ऑक्सीजन से एंड आपके नाइट्रोजन से. इन सब से ये बने हुए होते हैं, ठीक है. और जैसे प्रोटीन, कार्बन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं है. कार्बोहाइड्रेट्स आर यू नो दे आर प्राइमरली प्रोड्यूस बाय प्लांट्स. भाई आप चावल खाते हो? आजकल सब जिम जा रहे हैं तो जिम कॉन्स हेल्थ कॉन्शियस सब हो गए, तो भैया कार्ब्स, प्रोटीन्स है ना, सबके बारे में सबको पता रहता है कि भाई सब कुछ हमें लेना है, बट देन प्रोटीन ज्यादा खाना है. देखो आगे हम बताएंगे आपको प्रोटीन ज्यादा क्यों खाना है. प्रोटीन ज्यादा क्यों खाना होता है? क्योंकि वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे सेल्स का. आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंड दे अकर नेचुरली, दे अकर नेचुरली, ठीक है. उसके बाद एग्जांपल्स में अगर आपको बताऊं तो आपका शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके तीन टाइप के होते हैं. एक होता है आपका मोनोसेकेराइड्स, सेके और राइड्स. एक होता है आपका ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, और एक होता है आपका पॉलीसेकेराइड्स. तो ज्यादा हमें अंदर नहीं जाना है, बट देन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना. तो मोनोसेकेराइड्स क्या हो गया कि एक चीज होती है हाइड्रोलिसिस. भाई हाइड्रोलिसिस क्या हुआ कि अगर मैंने एक एक्स कंपाउंड है उसको पानी के साथ मिला दिया तो एक हम मुझे नया कंपाउंड मिलेगा वाई प्लस जेड, ठीक है. तो पानी भी एक केमिकल चेंज, पानी में भी केमिकल चेंज आएगा और एक्स में भी केमिकल चेंज आ जाएगा, ठीक है. तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है. अब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, फर्दर हाइड्रोलिसिस उसका पॉसिबल नहीं है, उसको आप आगे नहीं तोड़ सकते, उसको आप बोल देंगे मोनोसेकेराइड. जैसे आपका ग्लूकोज, आपका फ्रुक्टोज, ये सब क्या हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स. पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे? भाई आप जिसको जिस कार्बोहाइड्रेट्स को आप 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स में तोड़ सकते हो, वो क्या हो गया आपका ऑलिगोसेकेराइड्स, ठीक है. ऑलिगोसेकेराइड्स में क्या हो गया आपके सुक्रोज, ठीक है, आपका लैक्टोज, ठीक है. अब सुक्रोज को आप किस में तोड़ सकते हो? सुक्रोज को आप ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ सकते हो, ठीक है. लैक्टोज को आप किस में तोड़ सकते हो? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है. एक होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लैक्टोज, उसमें तोड़ सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया आपका ऑलिगोसेकेराइड. देन मैं बात करता हूँ अगर पॉलीसेकेराइड की. पॉलीगोसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कि भैया बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स में आप इसको तोड़ सकते हो. जैसे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके स्टार्च, आपका सेलिलोज, आपका ग्लाइकोजन, ठीक है, आपके गम्स, ये सब क्या है? ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं कि आप एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड में इसको तोड़ सकते हैं. अब बात करते हैं प्रोटीन की. देखो प्रोटीन कुछ नहीं होते हैं. एक चीज आप पढ़ लो कि अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है. अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी बॉडी खुद बना लेती है, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती उसको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो हमें डाइट्स के थ्रू लेने ही लेने होते हैं. एंड दिस अमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको बताऊं अगर आप अमाइनो एसिड्स पूरे नहीं लेंगे तो आपकी डाइट, अगर जो आपको भाई नॉन एसेंशियल वाले तो आपकी बॉडी में खुद ही बन रहे हैं, एसेंशियल वाले में क्या होगा, डाइट से लेने अगर आप नहीं लेते तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं, ये एक अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं. अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है. फिर एक कॉन्सेप्ट होता है पेप्टाइड चेन का. देखो तो अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तो पेप्टाइड्स आपको समझ में नहीं आएगा. तो पेप्टाइड कुछ नहीं है भाई, दो अमाइनो एसिड्स को एक चेन से जोड़ा हुआ है, ठीक है. जब हम दो अमाइनो एसिड को एक चेन से जोड़ देते हैं ऐसे, ये क्या है? एक टाइप का पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये टाइप का पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है. अब जो
हर प्रोटीन है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और दो प्रोटीन पढ़ लेते हैं, एक एक प्रोटीन होता है कोलेजन, ये बड़े जरूरी होता है खाने में। भाई कोलेजन क्या है? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और पूरे बायोस्फेयर में कौन सा है? पूरे बायोस्फेयर में है, उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को भी उसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है उसकी राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोलेस ऑक्सीजनेस। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस रूबिस्को जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, बायोस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, और कोलेजन जो है एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब बात करते हैं एंजाइम्स की। भाई देखो एंजाइम्स क्या है, अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमें जीने के लिए। देखो एक मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी भाई मैं एटीपी मिल रही है, एटीपी ऑक्सीडाइज हो रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ, कितनी सारी चीजें एक टाइम पर चल रही है। तो ये क्या, हमारी बॉडी क्या एक मशीन ही तो है, ठीक है। अब जब ये मशीन है तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो भैया कोई चीज तो इसको हो सकता है डाउन हो जाए, तो कोई चीज को पंपअप करने के लिए चाहिए ना, तो वो पंपर कौन से हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या होता है भाई? तो कैटलिस्ट कुछ नहीं होता, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आप चेंज ना होके दूसरों को बूस्टअप करे। मान लिया ये एक आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल टीम में एक कोच है, वो खुद नहीं खेलता, मगर देन वो दूसरी जो अपनी टीम है उसको बूस्टअप करता है, उसको एनर्जी देता है, उसको फास्ट बनाता है। ऐसे ही यही काम होता है एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या है? एक बायो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसका रेट जो है इंक्रीज करते हैं विदाउट गोइंग परमानेंट केमिकल चेंज, अपने आप में वो चेंज नहीं लाते हैं, ठीक है। ये थी बात किसकी? एंजाइम्स की। अच्छा एक और बात याद रख लेना, एंजाइम्स जो है ना बहुत गर्म उसमें हो सकते हैं ना बहुत ठंडे में हो सकते हैं, इनकी बड़ी नैरो रेंज होती है किसकी? टेम्परेचर की भी, टेम्परेचर बड़े कम पीएच की भी, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये थी बात एंजाइम्स की। अब बात आ गई विटामिन्स की। विटामिन्स भी क्या है ये आपके? देखो मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे को चाहिए होते हैं, बाकी ऑर्गेनिक ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है भैया। आपने सुना होगा कि विटामिन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हमें चाहिए बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा विटामिन नहीं चाहिए हमें, बट देन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए ना तो भी बड़े स्पेसिफिक डिजीजेस हो जा सकते होते हैं। और उन डिजीज के बारे में आपको 2 मिनट बता देता हूँ मैं, ठीक है। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है। भाई फैट सोल्यूबल कौन से होंगे? जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। जो वाटर या ऑयल में, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, सिर्फ फैट या ऑयल में डिजोल्व होते हैं या सोल्यूबल होते हैं, उनको हम बोल देते हैं फैट ऑयल सोल्यूबल, ठीक है। उसके बाद एक हो गया आपका वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या हो गया कि जो सिर्फ वाटर में मिलता है या मिक्स हो सकता है। तो फैट वाले में क्या आ जाते हैं आपके? ए विटामिन, ए विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ए डी ई के, ठीक है। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये लिवर में या एडिपोज टिश्यू, जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे, तब तो आपको एडिपोज टिश्यू पढ़ाएंगे, सबसे पहले वही पढ़ा देंगे, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू इज अ काइंड ऑफ फैट स्टोरिंग टिश्यू। भाई लिवर ने प्रोसेस किया, लिवर का काम है साफ कर देना, और कुछ वो भेज देता है फैट कहाँ? एडिपोज में। तो आपको फैट भी चाहिए, फैट ही आपको फ्यूल, फैट आपका फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल में कौन कौन से आ रहेंगे आपके? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। अब ये याद रखना, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल हैं बी एंड सी, तो ये आपके यूरिन में लगातार एक्सक्रीट होते रहेंगे, इसीलिए विटामिन बी एंड सी हमें लेना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे लगभग लगभग 60-70% लोग जो होते हैं उनमें विटामिन बी की कमी पाई जाती है, जिसके चलते उन्हें काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं। सिर्फ B12, विटामिन B12 एक ऐसा है जो हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है, उसके अलावा कोई भी विटामिन बी और सी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमारी बॉडी स्टोर कर सके, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको अपनी डाइट में लेते रहें, क्योंकि वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता रहता है बॉडी से, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी दिक्कत आपको आ सकती है, छोटा जल्दी से देख लेते हैं, छोटा टेबल बना लेते हैं। एक तो भैया विटामिन ए से, विटामिन ए से क्या हो सकता है आपका? आइज पे बड़ा फर्क पड़ता है, तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, ठीक है। आपका विटामिन बी वन से, बी से बेरी बेरी, बी बी, ठीक है।
बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी हो सकता है। तो बेरी बेरी में क्या होता है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपको एनर्जी बड़ी कम फील होती है। देन विटामिन सी से स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है, गम्स ब्लीड होने लग जाते हैं, आपके जो कट ऑफ कट जो अगर वूंड्स हो जाए या कट जाए तो उसको हील होने में बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। देन विटामिन डी से रिकेट्स, रिकेट्स क्या होते हैं कि आपकी बोन्स सॉफ्ट बन जाती हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम होता है, कैल्शियम भी भाई आपकी बोन के लिए, हमारे जो बोन्स है किसकी बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो वो गॉइटर हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कैल्शियम आयोडीन ये सब क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। बाकी विटामिन क्या है, विटामिन ए बी वन सी डी ये आपके विटामिन है। जैसे अगर इसी में आप आयरन की डेफिशिएंसी लेंगे तो अनीमिया पड़ेंगे, ठीक है। अगला मिनरल ही है, मिनरल में देख लेते हैं भाई। मिनरल क्या है, मिनरल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है भाई। माइक्रो में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, कॉपर आयोडीन मैग्नीज सिलीनियम, ये माइक्रो हो गए। और मैक्रो में कौन से आ जाएंगे भाई, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम, ठीक है। फिर कुछ मिनरल्स देख लेते हैं, जैसे आपका फोलिक एसिड, फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है आपको, इसको फोलेट भी बोलते हैं, ठीक है भाई। फोलिक एसिड क्या करता है आपका, फोलिक एसिड जो विटामिन बी होते हैं ना, उसी विटामिन बी को आपको प्रोवाइड करता है ये फोलिक एसिड बेसिकली, ठीक है। एंड प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमने आपको बता दिया भाई। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन वो चीज है जिससे आपके सेल्स बनेंगे, ठीक है। डीएनए आरएनए जो आपका होता है उसमें जो एक कंपाउंड होता है वो प्रोटीन भी होता है, वो प्रोटीन से ही बनते हैं। इसलिए प्रोटीन खाना, इसलिए आपने सुना होगा कि प्रोटीन खाना चाहिए हमें, हर हमारा जो भी मील हो उसमें प्रोटीन कम से कम थोड़ा बहुत एडेड हो, कि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन क्या, आयोडीन जो है ना फीटस डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अगर इसकी डिफिशियंसी होती है आपको एक बीमारी हो जाती है गॉइटर, ये जो गले गला है ना यहाँ से, एक बड़े कुछ लोगों को देखा हमने हड्डी निकली हुई होती है, तो उनको विटामिन डी आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। इसीलिए बेसिकली इसके जो सोर्सेज है ना, क्योंकि हम इंडिया वैसे तो सी वीड एंड फिश है, अच्छा खासा मिलता है, लेकिन क्योंकि इंडियन जो कल्चर है वो प्रीडोमिनेटली थोड़ा सा वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज हम लोग ज्यादा खाते नहीं है, जिस कारण क्या होता है कई बार आयोडीन की कमी हमारी उसमें हो जाती है। इसीलिए जो इंडियन सॉल्ट हैं या कोई भी सॉल्ट है उसको आयोडाइज किया जाता है, ठीक है। उसमें कई बार जो होता है फोर्टिफिकेशन, आयोडीन फोर्टिफिकेशन किया जाता है, आयोडीन फोर्टिफिकेशन मतलब आयोडीन को ऐड किया जाता है, ठीक है। देन बात करें आपका, एक हो गया आपका आयरन हो गया, आयरन बहुत जरूरी होता है भाई। आयरन क्या है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन से बना होता है। आयरन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि वो आपके जो ऑक्सीजन है वो लंग से लेके बॉडी टिश्यूज में पहुंचाता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन को भी फॉर्म करता है, तो कितना इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया हो जाता है। तो इंडिया में बच्चों को आयरन की कमी बहुत होती है, इसलिए उनको जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको आयरन, ये आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं, क्योंकि दीज आर दी टू वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज नीडेड टू फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द फिटेस। देन मैं जिंक की बात करूं, देखो जिंक में क्या है, जिंक अगर जिंक आप नहीं लोगे तो आप लोगों को एक तो जिंक की जो कमी से क्या होता है कि पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, थोड़ा सा मतलब आप तेज नहीं होंगे, दिमाग पे आपके असर पड़ता है, अनीमिया हो सकता है, आपका स्टैचर शॉर्ट रह सकता है, आपकी जो आपका कटा बुना है आपको कट जाए वूंड्स हो जाए तो उसको हिलोने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए मिनरल्स हमारी बॉडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे डाइट्री फाइबर की, देखो डाइट्री फाइबर जो है ना, एक्चुअली फाइबर हमारी बॉडी में पचता नहीं है, हमारी बॉडी में फाइबर जो है पचता नहीं है, अगर आप फाइबर खाएंगे तो वो ऐसे ही निकल जाता है। पर देन फाइबर इतना जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे फ्लश आउट करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ यू ठीक है, अगर किसी की डाइट फाइबर में कमी है तो उसे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, ठीक है। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये प्लांट, ठीक है, फाइबर रिच फूड जो होते हैं संतरा, ठीक है, आपका मौसमी, ये सब बड़े हाई इन फाइबर होते हैं, ठीक है। तो अगर और इनसे क्या होता है कि आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको फ्लश आउट करने में मदद मिलती है, ठीक है। अब बात करें फैट्स की, भाई फैट्स जो है, फैट्स वन ऑफ द थ्री मैक्रो न्यूट्रेंट्स है। भाई तीन मैक्रो न्यूट्रेंट्स कौन सा, एक तो आपको कार्ब चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एक आपको प्रोटीन चाहिए और तीसरा आपका फैट। अब फैट क्या है कि फैट आपको एनर्जी देता है, ये एक टाइप का फ्यूल है, एक तो ये आपको एनर्जी देगा, और जो विटामिन का एब्जॉर्प्शन है
लोग बोलते हैं कि फैट मत खाओ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप फैट नहीं खाओगे ना, जो आप विटामिन ले रहे हो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन फैट्स की बहुत जरूरी होती है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, ठीक है। और आपने सुना होगा लिपिड्स, ये भी एक टाइप के फैटी होते हैं, लिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, है ना, ये बेसिकली। और फैट क्या होता है, मोस्टली ज्यादा बहुत कम ऐसे फैट्स हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ओके। अब बात करते हैं लिपिड्स की, देखो लिपिड्स बहुत टाइप के होते हैं, दो मेन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी में होता है, दो टाइप के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। खैर वो नीट का एग्जाम नहीं देना हमें, ठीक है, इसमें से एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वही होते हैं। देन ट्राइग्लिसराइड्स, अब बॉडी में चाहिए होते हैं बढ़ जाना, अगर ये दोनों बढ़ जाए तो दोनों खराब हैं, कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए खराब है, ट्राइग्लिसराइड भी हार्ट के लिए खराब है। जिन लोगों की डाइट में प्रिडोमिनेंटली मिल्क बहुत ज्यादा होता है या फैट बहुत ज्यादा होता है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं, इसीलिए जब भी अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, आप दूध पीना बंद कर दीजिए, ठीक है। बट सारे लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड नहीं होते हैं, सारे ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैट, एक चीज होती है फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड आपकी एक टाइप के अल्फैटिक चेन होते हैं, ठीक है, आप छोड़ दो ये सब। इसमें दो एसेंशियल फैटी एसिड हमें चाहिए होते हैं, आपने नाम सुने होंगे, एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, कैप्सूल भी आने लगी है अब तो, इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 3, फिश वगैरह में अच्छा पाया जाता है, एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ठीक है। और इनका जो साइंटिफिक नाम है, इसका 3 वाले का नाम है अल्फा लायोनिक एसिड, अल्फा लायो लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, और ओमेगा 6 का है लाइनोलेनिक एसिड, ठीक है। इतना याद रखना है, ज्यादा याद रखना, बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होते हैं, बल्कि हम लोग उतना ज्यादा नहीं करना, हमें जो है फैटी एसिड जानना था, ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 एक टाइप के फैटी एसिड है। अच्छा, फैट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसेचुरेटेड। जो जितना ज्यादा सेचुरेशन होता है वो उतनी कम उसमें रस्टिंग होती है, उतना उतना मतलब उसे टाइम कम लगता है, मतलब उसे वो खराब नहीं होता जल्दी, जो भी सेचुरेटेड फैट होगा वो खराब नहीं होगा। तो उसमें एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, और उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन 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 लग जाता है, ऐसे होता है, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, तो ये सैचुरेशन हो जाता है कि और इसमें बॉन्ड्स जुड़ नहीं सकते, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं इसमें, ठीक है। एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, प्लांट और फिश के जो फैट्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड में एनिमल्स के फैट्स जो होते हैं दे आर सैचुरेटेड फैट्स, और सैचुरेटेड फैट मैंने आपको बताया, जितने ज्यादा सैचुरेशन होगा उतने वो कम खराब होगा, जितना ज्यादा अनसेचुरेशन होगा उतनी जल्दी वो फैट खराब हो जाएगा, ठीक है, उतनी जल्दी वो फैट खराब हो जाएगा। अब अनसेचुरेटेड फैट में क्या हो गया, आपका आपके फिश के फैट, आपके प्लांट्स के फैट, प्लांट से जो मिलता है आपको फैट वो आपके अनसेचुरेटेड में आ जाएंगे, तो जितना अनसेचुरेशन होगा उतनी कम उतनी जल्दी वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं, और ये आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग आपको टिश्यूज पढ़ाएंगे, एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, है ना, वहाँ पढ़ेंगे, और हमारी और भी सीरीज चलती रहती हैं, आप जरूर देखें, और कोई भी आपका सजेशन हो आप हमें जरूर बताएं। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड आई शैल सी यू टुमारो, बाय।